कौन है ये देवी अहिल्या का दुश्मन जो जनता दरबार में कर रहा है देवी अहिल्या पे हमला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार में केसर भी है जो माँ और बच्चे का मामला लेके वहां पे पहुंच गई है। अब केसर की भूमिका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो हमने कमिंग अप में देखा है वहां पे देवी अहिल्या पे एक तीरंदाज निशाना साधे बैठा है और तीर चलाने वाला है और ये बात केसर ने देख ली है। अब केसर इस हमले को रोकेगी मगर कैसे और कौन है ये तीरंदाज, किसने भेजा है इसको, चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो मामला नया चल रहा है इस धारावाहिक में, उसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि दुश्मन सब एक साथ मिल गए हैं और दुश्मनों के झांसे में मल्हार सरकार भी आ चुके हैं। उस षड्यंत्र को वो सच मान के बैठ गए हैं कि मेरी गद्दी चली जाएगी और फिर मैं क्या करूंगा, मेरा मालवा, मेरी जनता क्या करेगी। मगर देवी अहिल्या इस झांसे में, इस षड्यंत्र में नहीं आई। अब इसका सीधा सीधा नुकसान किसको है, राघुबा को, क्योंकि मल्हार सरकार आज भी देवी अहिल्या की तरफ देख रहे हैं कि देवी अहिल्या हां करे तो मैं आगे बढ़ू, जबकि निर्णय उन्होंने भरे दरबार में सुना दिया कि हम साथ देंगे राघुबा का, मगर अंदर से अभी भी वो तैयार नहीं है क्योंकि देवी अहिल्या की हां उसमें नहीं है। तो ये जो चीज है ये राघुबा भी भांप रहे हैं और राघुबा की किससे दोस्ती हुई है, गुनूजी से। गुनूजी जो देवी अहिल्या के कट्टर दुश्मन है, इतनी बर्बादी करने के बाद भी देवी अहिल्या की, मालवा की, अब भी गुनूजी उसी वाड़े में है, उसी वाड़े में खड़े होके, उसी वाड़े में बैठ के, उसी वाड़े में खा के पी के उन्हीं की जो है मुखालफत कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब राघुबा को देवी अहिल्या को रास्ते से हटाना है दोस्तों, जो अपने भतीजे को रास्ते से हटाने की षड्यंत्र कर सकता है वो देवी अहिल्या को कैसे नहीं हटाना चाहेगा। और इसका सीधा सीधा साथ देने वाला कौन होगा, गुनूजी। तो ये जो तीरंदाज दोस्तों आया है ये गुनूजी का भेजा हुआ है, क्योंकि यहां पर राघुबा गुनूजी का भी टेस्ट लेंगे, भाई करके दिखा, क्योंकि हमने देखा गुनूजी द्वारका रानी से बात कर रहे थे कि ये देवी अहिल्या ऐसे मानने वाली नहीं है, ये हार नहीं मानेगी। पहले भी इसी बात से परेशान होकर गुनूजी उनके पिताश्री ने देवी अहिल्या को मारने की साजिशें की थी मगर कामयाबी नहीं मिली, तब खंडेराव भी देवी अहिल्या के साथ थे। अब दोस्तों देवी अहिल्या अकेली है, मालेगांव भी देवी अहिल्या के साथ नहीं है, वो तो अपना अलग ही जो है कर रहा है, मगर यहां पे जनता दरबार में देवी अहिल्या अकेली है और उनके आसपास कोई ऐसा कि सैनिक हो जो दूर खड़े होंगे, मगर ऐसा कुछ प्रोटेक्शन नहीं है और तीर तो दूर से ही चलाना है। तो ये पूरा षड्यंत्र गुन्नू जी ने राघुबा की परमिशन से जो है प्लान किया है देवी अहिल्या को मारने का। और जब ये दोस्तों हो रहा होगा केसर देखेगी और केसर देवी अहिल्या को बचाएगी और हो सकता है केसर इसमें जख्मी भी हो जाए और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आगे जब देवी अहिल्या पे हमला होगा तो मल्हार सरकार भी चुप नहीं रहेंगे और ये किसकी तरफ इशारा होगा, राघुबा की तरफ। तो देखते हैं, क्योंकि ये अब जो खिचड़ी पक रही है उस दुश्मन के ही खिलाफ जाएगी जिस दुश्मन ने खिचड़ी पकाई है। मजेदार होगा, देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.